नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPv4 वर्सेज IPv6 या कहें इंटर प्रोटोकॉल 4 वर्सेज इंटर प्रोटोकॉल 6 वर्जन 6 या 4। तो ये जो नो है, जैसे कि मेमोरी ऐसी 32 बिट वर्सेज 64 बिट में बताए थे, ये कुछ नहीं बस मेमोरी का कितना सपोर्टेड है, मेमोरी वही डिसाइड करता है। तो IPV जो है, IP जो होता है वो एड्रेस होता है एक तरीके का, कि डेटा कहीं जा रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट एड्रेस, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो है रखता है। डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स में होता है, तो उस पैकेट्स में जो होता है डेटा ट्रांसफ़र, तो IP उसमें होता है। तो उसमें वो जो है बेसिकली वो डेटा कहाँ जाना चाहिए ये IP डिसाइड करता है। IP एड्रेस, जिस IP एड्रेस पे आप किसी डेटा को सेंड करना चाहिएगा वो उसी IP एड्रेस पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो IP कुछ नहीं बस एक एड्रेस है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ जाना चाहिए। जैसे कि स्ट्रीट एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, वैसे ही IP भी इंटरनेट का एड्रेस है। तो IPv जो 4 था वो मात्र 4 बिलियन शायद एड्रेस सपोर्टेड था, उससे ज़्यादा एड्रेस आप IPv4 से नहीं बना सकते थे। तो वहीं आता है IPv6, जिससे कि आप 1 ट्रिलियन पता नहीं साला कितना जो है उतना एड्रेस आप बना सकते हैं। तो IPv जो 4 था वो लिमिटेड था कि वो उतना बिलियन 4 बिलियन तक ही एड्रेस मतलब बना सकते हैं। 4 बिलियन आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोच के देखें तो कम है इसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो IPv जो 6 है वो बेसिकली जो है IPv4 का ही जो है सो लेटेस्ट वर्जन है। और अभी भी मतलब ISP होता है, जो ISP है वो बेसिकली अगर आपको IPv6 यूज़ करना है तो आपको IPV आपके पास कंपेटेबल मतलब डिवाइस होना चाहिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो, अगर आप IPv6 कैपेबल आप फ़ोन है तो आप जो है उस एड्रेस को खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं खोल पाइएगा। तो यही एक था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।